बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का है, और ये जो टॉपिक है ये हीट, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, जैसे कि लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम एमसीक्यू साबित हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये जो पहला हमारे पास एमसीक्यू है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है इसके सामने। इसमें पूछ रहा है द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। तो अगर आप याद रखें तो जो हमारा 11 चैप्टर है उसका जो पहला न्यूमेरिकल है, उसका सेकंड पार्ट जो है, उसमें उसने ये पूछा हुआ है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल सेम रीडिंग दें। तो हमने उसको सॉल्व किया था उस न्यूमेरिकल को, आप देख सकते हैं थ्योरी में वहाँ पर मेरी वीडियो में, और जो हमारा आंसर था वो था -40। ठीक है, तो इसको याद रखना है, -40 जो है वो इसका जवाब है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज़ इक्वल टू केल्विन। तो केल्विन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो डिग्री सेल्सियस में +273 है, यानी हर वैल्यू ऑफ द डिग्री सेल्सियस में +273। तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी लिनियरिटी इसके अंदर मेंटेन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों कोई एक वैल्यू पर कॉन्साइड कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है कैन नेवर बी कॉन्साइड। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। नंबर 3 में कह रहा है द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल्स टू केल्विन स्केल। अब हम अगर केल्विन का फॉर्मूला लिखें तो सेल्सियस +273 है, और जो सेल्सियस है उसकी जगह पे हमने सेल्सियस की वो वैल्यू रखनी है जो कि फ़ारेनहाइट की इक्विवेलेंट है। तो अगर आप फार्मूला याद करें तो F-32/9 इक्वल्स टू C/5 है। तो इसमें 5 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएँ तो F-32/9, और ये पूरा आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, ये C की वैल्यू है। इसको अगर आप एफ सी की जगह पे पुट करें, कौन से फार्मूले में, केल्विन के फार्मूले में, और उसके बाद आप दोनों को के कर दें या दोनों को एफ कर दें, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। वो आंसर वो टेम्परेचर की वैल्यू होगी जिस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम वैल्यू देते हैं। तो मैं इसको सोल्यूशन भी इसके साथ इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये ज़रा सोल्यूशन देख लीजिएगा। ये क्या है कि देखिए, जो हमारे पास केल्विन है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है डिग्री सेल्सियस +273, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हम ये बात जानते हैं कि F-32/9 इक्वल होता है C/5 के, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान रिलेशन है। तो इस 5 को अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा F-32/9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू C। ये C की वैल्यू उठा के मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो मेरे पास अब जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, K इज इक्वल टू इस C की जगह पे सारी वैल्यू मैंने पुट की, विच इज़ F-32/9 मल्टीप्लाई बाय 5 +273। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास K इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5F-160/9 +273। ओके, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 9 को, तो हो जाएगा 5F-160+273 मल्टीप्लाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा। इस 9 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो 9K इज इक्वल टू 5F-160+273 मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हमने आपको बताया कि जी वो कह रहा है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएं, तो या तो दोनों को के रख दीजिए, या दोनों को एफ रख दीजिए, या दोनों को एक्स रख दीजिए, जो आपको आसान लगे। तो ऐसा कर लेता हूँ, चूंकि दोनों यानी जब केल्विन और फ़ारेनहाइट सेम हो जाए तो मैं एक्स कह लेता हूँ, तो दोनों को एक्स रख लेता हूँ। सो हो जाएगा 9X = 5X-160+273 × 9, ये पूरा एक जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसको वहाँ ले जाएं तो ये 5x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो 9-5 ये हो जाएगा 4X = -160 और +273 × 9। तो 273 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से ये प्लस का है, उसमें से माइनस करें 160, तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद आप जानते हैं कि जो 4 है वो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जो भी ऊपर आंसर आ रहा होगा उस ये पूरा एक आंसर आ जाएगा ऊपर का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इस x को ये ना दे, 4 को वहाँ ले जाएं, सो X = जो भी तुम्हारा आंसर था उसको डिवाइड कर दो 4 से। तो ये तुम्हारे पास वही आना चाहिए कि जो मैंने तुम्हें बताया था ना, 270 कितना बन रहा है, सॉरी ये बन रहा था हमारे पास 574.25, ये बनना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल बात समझ गए होंगे ना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करो और जो भी जवाब आए उसमें से -160 करो, ये एक वैल्यू आ गई, इस वैल्यूज को डिवाइड कर दो किससे, 4 से।
तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये वो सोल्यूशन था, मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है 574.25। दिस इज़ द आंसर जिस पर फ़ारेनहाइट हमारे पास, सॉरी मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, सो दिस इज़ 574.25। ये नंबर 3 में मार्क करना था, मैंने नंबर 2 में मार्क कर दिया, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ़ ए सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्रीजिंग, एक सब्सटेंस है कोई भी है उसको हम फ्रीज कर रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है वो। तो कह रहा है अगर मैं उसके ऊपर किसी चीज़ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। याद रखिएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा, राइट। अगर तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस क्या है कि जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तब प्रेशर इंक्रीज करने से फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा ये कब होता है, आपने देखा होगा पानी को जब हम ठंडा कर रहे होते हैं तो फ़र्ज़ करें पानी का टेम्परेचर हम 10 पे ले आए, फिर 5 पे ले आए, फिर 4 पे ले आए, तो 4 तक जो है वो पानी क्या कर रहा होता है, पानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे जैसे फ्रीज कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसको अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन 4 के बाद क्या होता है, एनोमलस एक्सपेंशन कहलाता है ना पानी में, कि 4 के बाद ये होता है कि 4, 3, 2, 1 एंड 0 पे पानी फ्रीज होकर एक्सपेंड हो रहा होता है। ये बिल्कुल इसके उल्टा है, इसने क्या है कॉन्ट्रैक्ट है फ्रीजिंग पे, लेकिन फिर पानी क्या होना शुरू हो जाता है, पानी एक्सपेंड हो जाता है फ्रीजिंग पे, तब अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तब डिक्रीज पर ऑप्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग तो इंक्रीज, अगर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग हो तो फिर डिक्रीज पर ऑप्शन होगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये एग्जाम के एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं इसके आगे एग्जाम के जो है वो ईयर्स मेंशन किए हुए हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हेन ए बॉडी हैज़ द सेम टेम्परेचर एज इट्स सराउंडिंग, देन अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो तो ऑप्शन ए में कह रहा है इट डज नॉट रेडिएट हीट, उसमें से हीट नहीं निकलेगी। ऐसा होता नहीं है कि हीट रेडिएट ना हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैप्टर नंबर 17 के अंदर है, लेकिन बहरहाल तमाम बॉडीज बिहेव लाइक द ब्लैक बॉडी, नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी बट दे बिहेव लाइक द ब्लैक बॉडीज, सो ईच एंड एवरी बॉडी एब्जॉर्ब हीट एंड इट रेडिएट हीट। तो क्या होता है जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाता है, तो वो हीट जितनी एब्जॉर्ब कर रहा होता है उतनी ही रेडिएट करता है, मतलब उतनी ही इमिट कर रहा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इट रेडिएट द सेम क्वांटिटी ऑफ द हीट एट इट रिसीव फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। ये लेस और मोर का मतलब ये है कि वो मतलब लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मोर रेडिएट कर रहा है, या मोर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेस रेडिएट कर रहा है, लेकिन चूंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में वो कह रहा है कि टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है, सो जितनी एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतनी रेडिएट करेगा। ये है कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज, इस किस्म के जो एमसीक्यूज है ना ये इंटरडिसिप्लिनरी एमसीक्यूज कहलाते हैं, यानी दो दो तीन तीन चैप्टर के मिक्स होके आपस में कोई एक कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पानी किस पे बॉयल करता है, केल्विन में बताना है, तो डिग्री सेल्सियस में तो 100 पे पानी बॉयल करता है, तो केल्विन में चेंज करो, 100 प्लस 273 तो 373। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है 273K, कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो हम जानते हैं 273K सेल्सियस में ज़ीरो होता है, और जब सेल्सियस में ज़ीरो होता है तो फ़ारेनहाइट में 32 होता है, तो दिस इज़ 32। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड है, इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थ्योरी मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट वन है हमारे पास के टू एंड्स ऑफ द रॉड आर एट टेम्परेचर -10 एंड -30 रिस्पेक्टिवली, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी। तो देखिए -10 जो है और -13 दोनों को कंपेयर करें तो -30 हमारे पास कोल्ड बॉडी है और जो -10 है हमारे पास वो हमारे पास हॉट बॉडी होगी, तो हीट नेचुरली ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। ओके, सो जो आंसर है वो है -10 degree टूवर्ड्स -30 degree, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, राइट। इसमें अब अगर आपके जहन में कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल, -10 एज कम्पेयर टू -30, -10 बिकम दी हॉट बॉडी एंड -30 बिकम दी कोल्ड बॉडी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, ये भी एग्जाम का MCQ है, कह रहा है द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, सो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है जब केल्विन का ज़ीरो हो तो सेल्सियस का -273 हमारे पास बनता है, और इसको अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं F-32 / 9 = C/5, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट जो निकल कर आता है
वो निकल के आता है -460। मैं आपसे ये चाहूँगा कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो आप रट लें कि मतलब जब एब्सोल्यूट ज़ीरो हो तो सेल्सियस में -273 होगा और फ़ारेनहाइट में -460 होगा, ठीक है। ओके, ज़ीरो ऑन सेल्सियस स्केल इज़ इक्वल टू डैश। अब डैश के आगे उसने कुछ नहीं आगे यहाँ पे मेंशन किया कि किस में पूछ रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो सारे केल्विन हैं। तो ज़ीरो सेल्सियस स्केल का ज़ीरो केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन के फॉर्मूले में पुट कर देते, केल्विन है सेल्सियस +273, तो सेल्सियस का ज़ीरो, ज़ीरो +273 तो 273 K। तो दी आंसर इज 273 K। आई बिलीव सो के समझ में आ रहा होगा आसान से। ओके, नंबर 11 कह रहा है 237 K कॉरिस्पॉन्ड टू, अगर अब 237 में अगर देखता हूँ तो 237 K कॉरिस्पॉन्ड टू टू कितना नीचे, हमारे पास ऑप्शन है फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो 273 को अगर मैं देखता हूँ, जिस तरह मैं अभी ऊपर वाले MCQ में डिस्कस कर रहा था ज़ीरो वाले में, तो अगर मैं 273 K कहता तो वो सेल्सियस का ज़ीरो होता, 273 K, तो ये तो 237 है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो वाला ऑप्शन तो गया मेरे पास से, ये मेरी बात समझ में आ रही है। और ज़ीरो से बड़ा ऑप्शन 273 कैसे हो सकता है, क्योंकि 273 होता तो ज़ीरो होता, तो ये दो ऑप्शन यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के, आप देख रहे हैं कैसे मैं लॉजिक को यूज़ करते हुए जो इररेलेवेंट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। सो मेरा ऑप्शन हो सकता है -32 या -273 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको बताऊँ कि -273 डिग्री सेल्सियस का तो मतलब होता है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, -273 एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है वो केल्विन का ज़ीरो होता है, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास चला गया डी। तो मेरे पास जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी जो कि है -32। ये तो मैंने जिस टेक्निक से किया आपकी समझ में आ रहा है। दूसरा मैं जो मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ, देखिए कि जब फ़ारेनहाइट में 32 होता है तो हमारे पास सेल्सियस में ज़ीरो होता है और केल्विन में 273 होता है। अब 273 से नीचे आते हैं, 237 पे आए, यानी 400 कुछ हम नीचे आए हैं, तो इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट में भी हम नीचे जा रहे हैं, तो 32 से नीचे जाते जाते हम नेगेटिव में जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव में ऑप्शन आना चाहिए, याद रखिएगा। मेरे हिसाब से ये शायद आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो -33 आएगा, लेकिन चूंकि अप्रोप्रिएट या -32 है सो मैं -32 को ही क्लिक करूँगा। ओके, नंबर 12 कह रहा है दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरिस्पॉन्ड टू 212 फ़ारेनहाइट, तो 212 फ़ारेनहाइट का मतलब है सेल्सियस का 100। ये देखें ये स्केल की जो वैल्यूज़ है ना, जब सेल्सियस ज़ीरो देता तो फ़ारेनहाइट कितना देगा, सेल्सियस 100 देता तो फ़ारेनहाइट कितना देगा, ये अगर मुझे याद है ना तो मैं बड़ी क्विकली जवाब दे सकता हूँ, मुझे कैलकुलेटर पकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, और यही मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी स्पीड को सिर्फ इंक्रीज करें। सो जब 212 फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस का 100 होता है, और 100 +273 तो इट इज़ 373 K। आई बिलीव सो कि ये बात समझ में आ रही होगी। नंबर 13 इन सेल्सियस स्केल डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। अब ये डिफरेंस की बात हो गई है, तो याद रखिएगा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में जो रेशो है वो 9/5 का है, यानी मेरे कहने का मतलब है 5 सेल्सियस 9 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, तो 1 सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये भी थ्योरी के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आपने थ्योरी देखी हुई है सो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, ये डिवीजन ऑफ 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट है, या डेल्टा टी 1 सेल्सियस का और डेल्टा टी 1 फ़ारेनहाइट में जो रेशियो है वो 1.8 की। ओके, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50, अब 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 50 है, तो ये देखिए 0 से 100 का मतलब है, 50 का मतलब है कि ये सेल्सियस का आधा स्केल है, तो मैं फ़ारेनहाइट का जब आधा स्केल करूँ तो फ़ारेनहाइट का जो पूरे स्केल की रेंज है वो 180 है, तो 180 का हाफ़ करूँ तो 90 आता है, जबकि शुरू कहाँ से हो रहा है स्केल, वो हो रहा है 32 से, तो 32 में अगर मैं 90 करूँ तो 122 ये मेरे पास ऑप्शन आता है। आप में से जिसको ये टेक्निक समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है जो मैंने यहाँ पर बोली है, और जिनकी नहीं समझ में आई वो एक तो थ्योरी देखें या फिर ऐसा करें कि वो रट्टे वाला काम करें, वो 50 डिग्री को फॉर्मूले में पुट कर दें। कौन से फॉर्मूले में, वो है ना F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5, तो C कितना है हमारे पास 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो गया 10, और 9 जो डिवाइड में इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 10 multiply by 9 तो वो 90 हो गया, 32 जो माइनस का इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो 90 + 32 122 बनता है, तो डायरेक्ट फार्मूले से भी हो रहा है। ओके जनाब, नंबर 15 मैं वो कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल, नाउ ऑल द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी इसका मतलब है एक सब्सटेंस में बेतहाशा मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल की एक एनर्जी है,
तो मुख्तलिफ टाइप्स की एनर्जीज हो सकती हैं, दे कैन बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जीज, तो बहुत सारी एनर्जीज हमारे पास मॉलिक्यूल की होती हैं। तो सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज हमेशा याद रखिएगा, दैट इज़ बेसिकली द इंटरनल एनर्जी, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज। ओके ओके जनाब, नेक्स्ट पर मूव करते हैं हमारे पास नंबर 16। सो नंबर 16 में कह रहा है हीट कैन नॉट बी मेजर्ड इन, ये यूनिट लिखे हुए हैं, जूल हीट का यूनिट है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एनर्जी हीट का यूनिट है, कैलोरी हीट का यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। सो हम हीट को केल्विन में मेजर नहीं करते। नेक्स्ट वन इज अगेन एग्जाम का MCQ, कह रहा है द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो इंटरनल एनर्जी, एवरेज जो एनर्जी है, अब इंटरनल एनर्जी अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी हो तो मैं उसको टेम्परेचर कहूँगा, तो चूँकि एवरेज इंटरनल एनर्जी कह रहा है, जब हम एवरेज पे जाते हैं तो वो हमारे पास टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास है 1 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल प्रोड्यूस। अच्छा, 1 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट, है ना। तो अगर आप यूनिटी मेथड इस्तेमाल करें, 1.8 को इक्वेशन को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.8 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है, ओरिजिनली क्या था, 1C इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। सो जब यूनिटी मेथड लगाते हैं तो 1.8 को इक्वेशन को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.8, C इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.8 करें, सो दैट गिव्स यू 0.55 हमारे पास आ जाएगा चेंज इन सेल्सियस। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो इंटरनल एनर्जी, जाहिर सी बात है, अगर हम वॉल्यूम को चेंज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, सो इफ़ वी चेंज द वॉल्यूम सो फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि इफ़ देयर इज़ ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर। इफ़ द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। इफ़ द इंटरनल एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट, दैन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यहाँ पर लग ऐसा रहा टेम्परेचर है, बट अगर हम एंट्रोपी को भी देखें तो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास, एंट्रोपी बेसिकली हमारे पास एक स्टेट है, जो हमारे पास जो भी हमारा सिस्टम है वो किस स्टेट को मेंटेन करके बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि वो जो स्टेट है वही बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कितना एनर्जी कॉन्टेंट है। सो आई बिलीव सो के इट शुड बी एंट्रोपी होना चाहिए, जो ज़्यादा मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसमें टेम्परेचर को भी हो सकता है मेरे पास, सो मैं इसमें मतलब अगर एंट्रोपी का ऑप्शन ना होता तो फिर मैं किसके ऊपर क्लिक करता, मैं इसको टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करता। ये मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अभी ये जो ऊपर हमने MCQ किया है, ये वाला नंबर 15, इसमें कह रहा है सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर फर्ज करें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन ना होता तब मैं क्या करता, अगर ये इंटरनल एनर्जी ना होता तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है थर्मल एनर्जी के अंदर, ठीक है, और बेसिकली उसी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। सो अगर यहाँ पर थर्मल एनर्जी होती तो मैं इंटरनल एनर्जी ना होता तो मैं थर्मल एनर्जी पे टिक करता। ये मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने मुझसे वो नेट के ऊपर भी MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सेम MCQ मुझे जब सेंड किए तो हमने देखा कि हमारे पास, हमारे तो एग्ज़ाम के अंदर, यानी 2013 में जब ये MCQ आया था तो उसमें इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे इंटरनल एनर्जी नहीं था, वहाँ पे जो सारे ये हीट भी था, टेम्परेचर भी था, और भी वाइब्रेशनल एनर्जी भी थी, पोटेंशियल भी थी, लेकिन एक थर्मल एनर्जी भी थी। थर्मल एनर्जी मोर अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी दोनों सेम बात है मेरे पास, प्लीज़ याद रखिएगा। ये जहन में मेरी आई तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूँ। ओके, ये फिर ऐसा होता है, फिर आप लोग जब इसी तरह का सेम MCQ ज़रा डिफरेंट ऑप्शन के साथ भेजते हैं, हम कोई और ऑप्शन आपको बताते हैं व्हाट्सएप पे या जब कमेंट्स में, तो आप कहते हैं वहाँ तो आपने ये बात बताई थी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देख के थ्योरी को यूज़ करके बेस्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ओके, 1 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल प्रोड्यूस डैश चेंज इन केल्विन स्केल। अच्छा, अब देखिए केल्विन और सेल्सियस दोनों सेम है। अगर आपने थ्योरी देखी हो तो मैंने आपको बताया था डेल्टा टी
डिग्री सेल्सियस का और डेल्टा टी केल्विन का सेम है। सो अगर मैं नंबर 18 को देखूं, 1 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट 0.55 चेंज इन सेल्सियस होता है, और सेल्सियस और केल्विन का डेल्टा यानी चेंज हमेशा सेम होते हैं। तो मुझे यहाँ पे उसने 1 डिग्री अगर केल्विन दे दिया, सेल्सियस की जगह केल्विन दे दिया, तो मेरे ऑप्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट शुड बी 0.55। मेरी बात समझ में आ रही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट, यूनिटी मेथड यूज़ किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.8 किया, तो 1 फ़ारेनहाइट हमारे पास आया, तो 1 फ़ारेनहाइट 0.55 सेल्सियस आया। जो चेंज इन सेल्सियस है वही चेंज इन केल्विन होगा, इसलिए मैंने केल्विन के लिए भी 0.55 को मैंने टिक किया। आई बिलीव सो, ये इस टॉपिक के जो 20 MCQs हैं, ये जो मेरे पास टॉपिक चल रहा था हीट, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको चैनल पसंद आया। और दूसरी बात यह है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट इसका दूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 11 का। सो छोटे कम MCQs को साथ वीडियो करूंगा तो आपको देखने में ज़रा आसानी होती है। पहले मैं ऑलरेडी बड़ी वीडियोस बना चुका हूं, जो को मुझे लग रहा है कि इतनी बेनिफिशियल होती नहीं है। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इफ़ यू फील देयर इज एनी क्वेश्चन, देयर इज एनी क्यूरी, और यू आर इन सम कन्फ्यूजन, यू कैन कमेंट मी, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।